खिलाओ खिलाओ धीरे धीरे, ये देखो पंछी पंछी, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ये चले गए पंछी। अरे यार और नहीं है क्या? अपने को यस थ्री में जाना है, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे, जल्दी चला जाऊँ तो सही। अभी क्या बेटा साइड हो जाए थोड़ा, ऐसे कर कर के निकलना पड़ रहा है। ट्रेन में बहुत ही ज्यादा गंदगी है यार, सफाई करने वाला भी कोई नहीं आया, बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है। जैसे तैसे करके इलाहाबाद पहुंचना है, बस हो गया। मेरे को डिस्पोजल में चाय नहीं पीना था, मैं इसमें पी लिया। देखो मट्टी का बना, जय महाकाल, बोल बम। ये बाबा जी जा रहे हैं, ट्रेन से दिखने लगा गंगा नदी। देखो ये देखो, इसका नाम अभी अभी चेंज हो गया है, कुछ दिन पहले ही इसका नाम अब इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, तो इसको प्रयागराज ही बोलना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग प्रयागराज रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं। ये कैमरा है, चालू है ना? ये मेरे पापा बैठे हैं, देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। इनके साथ आके बहुत इलाहाबाद माँ गंगा के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, पहुँच गए। ये देखिए इलाहाबाद सिटी, यहाँ पे लिखा है मेरा प्रयागराज साफ हो, एक कदम स्वच्छता की ओर। टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुका है ये प्रयागराज सिटी में। जय निषाद राज भगवान, ग्रह राज निषाद आर्ट। यहाँ पे ये देखो संगम पे आ गए, कितना लोग भैया के साथ बैठ के जाएंगे हम लोग नाव पे। इधर आना पड़ेगा, गिरू बाबू जी, कैमरा वैमरा सब गिर जाएगा मेरा। बैठ जाओ नाव पे, ये वाला है, देखते हैं पहले वहाँ पहुँच के ना। अच्छा लगा तो तुम देखो, अच्छा लगेगा तब समझना छोटू तुम्हारे। ठीक है ठीक है, तुम बाद में नहीं कहना, ठीक है अच्छा लगेगा समझेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। खाना अभी खाया नहीं क्या सुबह से? अच्छा लेके आए थे घर से। हम लोग नाव पे बैठ चुके हैं, देखो ये अब जाने वाले। ये कौन सा पक्षी है जो यहाँ पे बैठा है? कौन सा है पक्षी वो? साइबेरियस। ये यमुना नदी है इधर, अभी वहाँ पे संगम पे जाएंगे। वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीन नदी का संगम है, वहाँ पे अपने को जाना है। और ये देखो बहुत सारी पक्षियाँ यहाँ पे है, ये साइबेरियन पक्षी है। ये देखिए इसको भी पहनना पड़ता है सेफ्टी के लिए। ये नाव बढ़ता हुआ आगे धीरे धीरे, घाट के किनारे आप देखो कितने सारी नाव है। और ये जो पक्षियों के लिए वो कुछ दाना वाना लेके आते हैं, फेंकते हैं तो खाने के लिए दौड़ते हैं। देखो ये छोटे छोटे पक्षी कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ये पूरा घाट है आप देखिए, वहाँ से लेके वो देखिए पूरा घाट आगे तक है, पूरे पक्षी नज़र आ रहे हैं। इधर घाट के किनारे ज़्यादा पक्षी दिख रहे हैं क्योंकि इनको खाने को मिलता है ना, इधर ही ज़्यादा आते हैं। ये देखिए भाई साहब, केवट भाई साहब नाव को खेते हुए आगे जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? कब से काम कर रहे हो? 20 साल से ही काम कर रहे हो। अच्छा 38 साल के हो आप, लग नहीं रहे हो। गंगा मैया का आशीर्वाद है, वहाँ जाकर तीन नारियल से भेंट की, वहीं जाकर पूरा संसार करता है। ये अपने वेदों पुराणों में अपना नारियल भेंट डालो, पति पत्नी से खाली पांव नहीं लगाए। गंगा माँ फलदायिनी है, सर्वोपरि गंगा माँ है। देख रहे सब जगह लिखा गया है, पूरे भारत में नमामि गंगे, अविरल गंगा माँ जी। खाली पांव नहीं मारा जाता है प्रयागराज में, यहाँ भर के जाता घर घर नहीं पाता, यहाँ से भर के जाता घर नहीं पाता। ये बड़े बड़े यहाँ सेठ लोग आते हैं माँ जी, दुनिया के लोग आते हैं, कोई नहीं भारत के लोग, दुनिया के लोग। और भी रखना दुनिया के लोग नहीं पानी माता। प्रसाद में ज्यादा पानी थी क्या कि अभी थोड़ा कम है? नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रसाद में सब डूब जाता है। अच्छा इधर कुछ नहीं रहता पूरा दिखाई देता है? अच्छा ये जितना सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा पानी ही पानी रहता है, अभी थोड़ा कम हो गया इस पे। उत्तर दिशा से गंगा नदी, पश्चिम से यमुना, उत्तर से गंगा, और वो सरस्वती उसका पद जहाँ दोनों का मिलन होता है वहीं उनका उद्गम होता है। अच्छा कंधा से कुछ साल बहने कुछ वहाँ पर उल्टा किला नहीं दिखाई दे रहा, झूसी में सुने होंगे उल्टा किला। अच्छा हाँ उल्टा तो वहाँ से निकली थी, मगर वहाँ से भी वो लोग हो गए, तब यहाँ अदृश्यमान होती चल रही थी। अच्छा कोई कोई लोग संत महापुरुष लोग देखे हैं? हाँ सबके कहा है भाग है, भाग नहीं है बाबू, सब सब मिल के जाती है, मतलब दोनों नदी के साथ जाते हैं। कहीं नहा सकते हैं सब आदमी, और थोड़ा सा दर्शन हो जाता है, जो मिलन का दर्शन आप किनारे से नहीं देख पाएंगे, इधर से मिलन का दर्शन। यहाँ से बिहार जाएगा संगम के बाद, काशी इधर में है मान,
इधर काशी दूर नहीं है, 120 किलोमीटर दूरी है। इधर डायरेक्शन किधर है? ये उधर जा रहेगा, उधर ऐसे वो जा रहा है, ये है ना। अच्छा, वो जल किसी का बाप का नहीं है बाबू, हर एक दो लाख कन्हैया लगाए रहते हैं, तकत लगाते हैं, गोताखोर लोग जिम्मेदारी रखते हैं। आप बताइए, अगर 500 वहाँ आदमी नहा रहा है, नाव वाला देखेगा, उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, समझ रहे हैं हमारा बात को नहीं? तो गोताखोर लोग हैं जो कि ये जो गोताखोर होते हैं सरकारी ने, उनसे ज्यादा ये तैराकी होती है। इतना अंतर होता है, यमुना नदी गहरी ज्यादा होती है, यहाँ जितना गहरी कहीं भी गहरी नहीं। अच्छा, पिंडदान किसका किए थे? राम भगवान, राम भगवान सीता जी को वहाँ गया, सीता जी ने किया था बालू के, इसलिए उनको दिल में संतोष नहीं है, मेरा पिता बालू खा के रहेगा। अच्छा, इसलिए जैसे जाओ का आटा वाटा लेते हैं हम लोग करते हैं, वैसे मनुष्य रूप में यहाँ किए। इसके बाद में आके यहाँ 12 वर्ष के वन वहाँ कर लिए, तब यहाँ भरद्वाज मुनि आश्रम पे आके यहाँ विश्राम किए। अच्छा, वहाँ पे जो आश्रम है भरद्वाज मुनि आश्रम, वो देखिए गाइस, उत्तर दिशा की तरफ से गंगा नदी बहती हुई आई है, और ये जो पीछे जो दिख रहा है ये पश्चिम की दिशा से यमुना नदी, इनका संगम यहाँ पे होने वाला है। अब हम लोग संगम की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे स्नान करेंगे, अपने नाव खड़ी कर दी है, अब स्नान करने के लिए जाना है, नीचे जाना पड़ेगा मेरे को। हमने स्नान भी कर लिया, ये देखो यहाँ पे गंगा पर जाऊँगा, बहुत नहा लिया, तो मेरे को कुछ और भी करना है, अभी पूजा वूजा करना है, इसलिए ऊपर जाना पड़ेगा। बोल गंगे मैया की जय। इसके बाद दिया जाए कुल दिया के साथ बोल गंगा मैया की जय, बह गया और जय हो। ये दोनों नदी मिक्स होके जा रही है, गंगा एंड यमुना नदी। दाना खिलाओ दीना, दाना दाना खिलाओ पंछियों को, देखो कितने सारे पंछी आ गए हैं दाना खाने के लिए। ये देखो साइबेरियन पंछी, खिलाओ खिलाओ, ये छोटे छोटे पंछी ये खा रहे हैं, ये खिलाओ खिलाओ धीरे धीरे, ये देखो पंछी खिलाओ 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 खिलाओ, ये चले गए पंछी। अरे यार, और नहीं है क्या? देख लो अब नहीं है, कितने सारे आ चुके हैं, बाहर जा रहे हैं, नहा तो लिए हैं। सिक्योर किला है यहाँ पास में, एक हनुमान जी का मंदिर है ये गंगा संगम के बगल में, तो वहीं जा रहे हैं। काले घोड़े की नाल की, काले घोड़े की नाल की अंगूठी ले सकते हो, बगल में देखो दुकान है। यार बट पंछी को कैद करके नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे कैद करके रखा गया है। कितने का दिए? लेना नहीं, मैं तो ऐसे बजा के मैं चेक कर रहा था, लेना नहीं था मेरे को। श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास अब पहुँचने वाले है, बगल में ही आ गए। देखो यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं हनुमान जी, पीछे दिख रहा है मंदिर, देखो ये पीछे कैमरा, ये देखो लोग इनको परेशान कर रहे हैं, देखो भाग रहे हैं। तो गाइस अब रिक्शे में बैठ के वापस अब रिटर्न जाएंगे स्टेशन की तरफ, अपना पूरा स्नान हो गया, ये देखो अब बाय बाय बोल रहे हैं गंगा नदी को, तो अब जा रहे हैं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन के लिए।